मोकामा को गौरवान्वित करने वाले छात्रों को किया गया सम्मानित। नमस्कार, मोकामा ऑनलाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त बासुकीनाथ। दसवीं परीक्षा में मोकामा को गौरवान्वित करने वाले छात्रों को विद्यालय परिवार द्वारा सम्मानित किया गया। आज मोकामा के रामकृष्ण रुद्रावती उच्च विद्यालय के सभागार में दसवीं की परीक्षा में 471 अंक प्राप्त कर बिहार में टॉप 10 में अपना स्थान बनाकर मोकामा को गौरवान्वित करने वाले छात्र प्रिंस और श्रवण को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी गण मौजूद थे। छात्रों को मनोबल बढ़ाने के लिए स्थानीय वार्ड पार्षद अखिलेश्वर प्रसाद सिंह और गोपी सिंह भी मौजूद थे। जब प्रिंस और श्रवण को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया तो सभागार का माहौल गर्व और प्रशंसा से भर उठा। प्रिंसिपल ने दोनों छात्रों को दिखाई गई उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण की सराहना की। उनके दृढ़ता और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। शिक्षकों ने भी लक्ष्य निर्धारित करने और उनके प्रति लगन से काम करने के महत्व पर जोर देते हुए प्रोत्साहन के शब्द साझा किए। प्रिंस और श्रवण की सफलता से प्रेरित छात्रों ने अपने सहपाठियों के प्रति अपना समर्थन और प्रसन्नता दिखाते हुए उनकी खुले दिल से सराहना की। स्थानीय वार्ड पार्षद अखिलेश्वर प्रसाद सिंह और गोपी सिंह ने छात्रों को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि पर बधाई दी और उनके जीवन के सभी पहलुओं में महानता के लिए प्रयास जारी रखने का आग्रह किया। उन्होंने उनके उज्ज्वल भविष्य को आकार देने में शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और छात्रों को बड़े सपने देखने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया। कुल मिलाकर यह रामकृष्ण रुद्रावती हाई स्कूल में एक यादगार दिन था जो उपस्थित सभी लोगों के लिए गर्व प्रेरणा से भरा हुआ था। मोकामा नगर परिषद में वार्ड नंबर 5 सलम बस्ती की गिनती में आता है, अति पिछड़ा में आता है और वहां से अगर हमारी जनता, हमारे बच्चे अगर टॉप कर रहे हैं तो एक संदेश है सभी लोगों के लिए, सभी छात्र छात्राओं के लिए कि आप मेहनत करें और आगे आप। इन्होंने मेहनत किया, प्रिंस ने मेहनत किया, आगे आए। हमारे सरवन जी हैं, ये गोसाई गांव से ताल्लुकात रखते हैं, इनका घर गोसाई गांव है, वहाँ से 3-4 किलोमीटर आना और जाना, फिर भी इन्होंने मेहनत किया और सफलता पाई। आज के समय में, आज के दौर में जो जितना पढ़ा वो उतना पढ़ा, ये श्रवण और प्रिंस इनकी पारिवारिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है, ऐसी बात नहीं कि खूब बड़े पूरे परिवार से, इनमें लगन है, इनमें मेहनत है, सरस्वती की कृपा है, ये आए। और आप लोगों के लिए जो नए आगामी आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी एक संदेश है, हमारे बच्चियों के लिए भी संदेश है कि आप लोग भी मेहनत करें और इस स्तर तक आए, अपने घर, अपने समाज, अपने परिवार का नाम उज्जवल करें। जहाँ तक अनुपस्थिति जो भी छात्र और छात्राओं के बारे में कहा जा रहा है, मैं उनके अभिभावक से ये विनती करता हूँ कि अपने बच्चों को भविष्य बनाने में हमेशा सहयोग करें, स्कूल सही टाइमिंग और सही दिशा की ओर उनका मूवमेंट करें जिससे कि उनका भविष्य उज्ज्वल हो। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रिंस और श्रवण जी को भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, आज के दिन बार बार है और बार बार हमें इस माहौल को देखना पड़े, सुअवसर प्राप्त हो, यही हमारी शुभकामनाएं है। और आप सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि इस काबिलियत को हासिल कर ऐसा मौका प्रदान करेंगे और हमें सबसे बड़ी उपलब्धि इन दोनों बच्चों के लिए जो कि आगे बढ़े और नाम रोशन करें विद्यालय का, विद्यालय अपने परिवार का, शुभ आशीष और बहुत बहुत धन्यवाद।